अस्सलाम वालेकुम बीबस। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि निर्मा अपने घर वालों को बताती है कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है। जब निर्मा ये बात अपने घर वालों को बताती है तो इसके घर वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना अच्छा रिश्ता और लड़का भी वो कुमारा निर्मा को कैसे मिल गया। निर्मा के बारे में सोच रहा होता है अली निर्मा के बारे में सोच रहा होता है कि कहीं वो निर्मा मुझे फरार तो नहीं समझ रही। निर्मा एक बार फिर अपनी भाभी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाते हुए अपनी माँ को बताती है कि निर्मा की अम्मी सोबिया को कहती है कि निर्मा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है और इसके बारे में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है और सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। निर्मा अपनी भाभी को एक बार फिर मुखातिब करके कहती है कि मेरे रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ निर्मा के वालदैन निर्मा की शादी को लेकर परेशान हो रहे होते हैं और निर्मा के घर वाले निर्मा की रुखसती को लेकर ये कहते हैं कि ये रुखसती बहुत जल्द नहीं हो रही। निर्मा के वालदा बहन निर्मा का रिश्ता घर आता है और वो रिश्ते वाले कहते हैं कि हमें इसी हफ्ते शादी करनी है, तो निर्मा की वालदा कहती है कि बहुत जल्दी नहीं हो रही, इस तरह तो चोरी हुआ करती है, शादी वगैरह नहीं हुआ करती। निर्मा एक बार फिर अपनी भाभी को इल्ज़ाम लगाते हुए सब घर वालों के सामने कहती है कि भाभी चाहती हैं कि मेरा रिश्ता अच्छी जगह ना हो और अपने घर वालों को कहती है कि अली के साथ अगर मेरी शादी ना हुई तो मैं भाग जाऊंगी, क्योंकि निर्मा को अली की दौलत की वजह से अली से प्यार होता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामों के प्रोमो देखने के लिए हमारा चैनल देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।